गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अभी मैं निकल रही हूँ स्कूल, बच्चों को लेना है स्कूल से, और फिर अभी बजा है 11, छुट्टी हो जाएगी 11:15 बजे, तो फटाफट से निकलते हैं, देर बहुत हो चुकी है, और बस अभी फटाफट से निकलते हैं। दिन से गाइज हमारे यहाँ इतना मौसम ज़बरदस्त हो रहा है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। राहुल खुला तो है नहीं। हाँ तुम पियो दूध पियो। सो गाइस स्कूल तो मैं पहुंचने वाली हूँ बस, और लेकिन स्कूल की छुट्टी तो हो चुकी है, बच्चे भी जाने लगे हैं। ये रही बच्चों की स्कूल की बसेस, और अब फटाफट से पहुंचते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। सो गाइस ये रहा मेरे बच्चों का स्कूल, और यहाँ रश बहुत है क्योंकि जब छुट्टी होती है तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली मैंने बच्चों को तो स्कूल से ले लिया है, और अब जा रहे हैं लेंसकार्ट, क्योंकि कल बशु का चश्मा जो है गिर गया था, तो थोड़ा सा लूज़ हो गया इसका चश्मा, और उसको टाइट भी कराना है, प्लस इनको एक चश्मा और भी लेना है, क्योंकि 2 चश्मे होती तो आराम रहता है, एक भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा आप लगा सकते हैं, तो एक चश्मा और लेना है। इसमें देखो कुछ समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल बेकार है, बेकार है। तो फाइनल के चश्मे वाला काम तो हो चुका है, और अब खा लेते हैं नूडल्स, इनको नूडल्स खाना है, मुझे डोसा खाना है, तो बस फटाफट सा खाते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है। लो जी यहाँ पे आ गया हम लोगों का डोसा, और अब खाते हैं डोसा। सो मैं घर वापस आ चुकी हूँ लेंसकार्ट में, मुझे थोड़ा सा देर भी होगी घर आने में, क्योंकि मुझे लेंसकार्ट जाना था, बच्चों का चश्मा लेना था, तो वो लेने लगे, फिर बहुत ज़्यादा देर होगी, और इसी बीच बिल्कुल बिंदल भी चली भी गई वो सारा काम करके। तो मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अरे बशु को चश्मा लेना था, वो लेने चले गए थे, तभी देर हो गई थी। और यहाँ पे चल रहे मम्मी के भजन। चाय पी ली? हाँ चाय पी ली, नींबू की। माँ का रेशन दिलाई बाकी, वही देख रही है, तभी तो देर हो गई हमको आने में, चश्मा शमा लेने लगे थे। कहाँ जाना तो था लेने के लिए, लेकिन कहाँ गए? नहीं गए। मम्मी नूडल्स खा लो, दे दे। हैं? लाए हैं ना नूडल्स, लाए हैं। तो अब मम्मी को भी नूडल्स लगा देते, तो मम्मी को भी देते। सुबह तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था, लेकिन लेट बहुत हो गए, तो उधर जाते समय नूडल्स ले लेते और मम्मी को भी लगा देते, तो फिर मम्मी को भी देते, मम्मी भी खा लेंगी। ये लग गया बिस्किट डिब्बे में डाले थे, हम अभी आ रहे हैं, और सामान ले लें, जाएंगे साथ में। हाँ फटाफट से निकलते, मुझे लाना है पिज्जा का थोड़ा सा सामान, हस्बैंड भी नीचे आ गए हैं, तो वो चलते हैं, उनके साथ में जाऊंगी मैं। सब बाहर हो गई है रात, तो बस वो हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, तो फिर मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे चिपली। लो जी फोन तो मुझे कर दे, मैं नीचे खड़ी हूँ, अभी तक आए नहीं। और गाइस मैं यहाँ पे बैठ करके वेट कर रही हूँ, अभी तक भी नहीं आए हैं, और एक्चुअली मुझे सामान लेना है तीजा का, मतलब पूजा का, तीजा में जो पूजा का सामान होता है वो लेना है, क्योंकि राहुल को लेकर के जाते, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी ज़्यादा नहीं मालूम है कि मैं अकेले गाड़ी ले करके जा सकूँ, और यहाँ आस पास का एक लोकल थोड़ा सा है जो वो मुझे मालूम है, तो वहाँ कोई कॉस्मेटिक की शॉप नहीं है, तो बस जैसे ही आते हैं, और इनकी हस्बैंड की थी मीटिंग आज,
तो राहुल इनके साथ में बिजी था, तो बस इसी वजह से लेट हो गए हैं। और फिर वैसे हम जैसे ही आते वैसे ही मैं निकलती हूँ फटाफट से, फिर आ करके थोड़ी सी पूजा भी करनी है। मैं व्रत वगैरह तो नहीं करती हूँ, बस घर में ही ला करके सामान चढ़ा देते हैं, और जो भी सीधा वगैरह होता है वो पंडित जी को मंदिर में दे देते हैं, और जो मतलब भाग का सामान होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बस अब जैसे ही आते हैं वैसे ही मैं फटाफट से निकलती हूँ क्योंकि, और फिर सामान लेकर के घर आते हैं। और बाहर हो गया बहुत तेज़ से अंधेरा एकदम, वो तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और गाइस बाबूजी जो है वो आ गए। अरे यार इतनी लेट कर दी इन्होंने। अकेले नहीं जाएंगे, आप भी चलो साथ में। और गाइस यहाँ पे मम्मी ने दुपट्टा मेरा चेंज करा दिया, बोल रही कि रेड वाला पहन करके आओ जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे आज कजरी तीज की पूजा हो रही है। चल भाई गाइस हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है, अब इसको रख देते हैं। अब मम्मी का चल रहा है यहाँ पे दूध रोटी। मम्मी को दूध रोटी बहुत पसंद है, मम्मी जो है रात में दूध ही रोटी खाती है, और वो भी हाथ से है ना, पतला पतला हो जाता है ना, वो पतला होता है ना। सो यहाँ पे हमारी पूजा भी कंप्लीट हो गई है, सब मैंने सामान भी चढ़ा दिया है, और आज ये सामान जो है चढ़ा रहेगा भगवान जी के पास में, और कल जो है सामान उठाया जाएगा। सो पूजा हो गई हमारी फिनिश, और बस अब बनाते हैं डिनर की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। और यहाँ पे सब सो रहे हैं अभी बच्चे, और अभी हो गया है 9:15, और ये आज पेपर दे करके ऐसे ही सो रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों की नींद पूरी कर रहे हैं। ऐसे कपड़े फैलाएंगे मम्मी, इधर कपड़े देखोगे सब फैलाए हैं। और गाइस हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो इतने कपड़े फैलाते हैं, शर्ट यहाँ पड़े, ट्राउज़र वहाँ पड़े, सॉक्स वहाँ पड़े, इनका समेट मतलब कपड़े समेटते समेटते मुझे 5 से 7 मिनट लग जाता है।
सो फाइनली पूजा हो गई मेरी फिनिश और अब करते हैं डिनर की तैयारी। डिनर में क्या बनाना है अभी देखते हैं, क्योंकि अभी डिनर में कुछ भी नहीं बना है, तो बस अभी डिनर बनाते हैं और बच्चे वगैरह भी सो रहे हैं क्योंकि मैं आज लेट हो गई थी। अभी चले गए थे सामान लेने के लिए, जगह जो सामान चढ़ाना होता है वो सब ले कर के आएँ, तो बस अभी फटाफट से थोड़ा सा कपड़े चेंज कर लेते हैं फिर बनाते हैं डिनर। अरे मम्मी, हम लोग जहाँ से सामान नहीं लाए थे वहाँ गए नहीं सामान लेने हैं। ये पहली दुकान पड़ गई थी, ये कह ले वहीं से ले। हाँ तो ज़्यादा मतलब ठीक मिल गया है सामान है, जहाँ से अब नहीं जहाँ से हम लोग लेते हैं उसके साथ वैसे मिल जाते हैं ना। जूते छोटे इनको बदलाना, ये क्या चेंज करेगा वो दीदी? यहाँ दीदी दे देना अभी, वही उनके पैर में आ जाएगा तब तो देंगे। आ जाए आपका उन दीदी साइज तो एक ही है क्या के? और क्या अगर उनको आ जाएगा तो फिर ऐसे ही रहेगा। ये चेंज सुनी ना उनको दे देना, इससे एक नंबर बड़ा लिया शेप होता है ना हम लोग उम्मीद है नहीं वो आप पहन नहीं पा रही, ऐसा थोड़ी ना साइज से एक ही होगा, फिर बड़ा होगा तो वो निकलेगा नहीं वो उन्हें दे देना और क्या, क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाएगा साइज। सो गाइस डिनर वगैरह हम लोगों का हो चुका है और अब सोच रहे हैं कि खा लेते हैं थोड़ी सी आइसक्रीम, तो अभी आइसक्रीम निकालते हैं। और सो यहाँ पे मेरे पास दो फ्लेवर हैं, एक है संडे और एक है राजभोग, ये खाएंगे मेरे हस्बैंड और ये खाएंगे वशुकनु एंड मी। सो अंदर से कुछ इस तरह से दिखती है ये, ये रही राजभोग और ये रही संडे, तो हम लोग तो संडे खाएंगे और खाएंगे मेरे हस्बैंड ये राजभोग, क्योंकि हम लोगों को राजभोग नहीं पसंद है और कई बार से ये फ्लेवर हम लोगों के संडे आ रहा था तो वो ना उब गया उससे, तो ये तो राजभोग अपने लिए लेकर के आते हैं हम लोगों को खाने। और मुझे सिर्फ संडे पसंद है और मुझे ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह नहीं पसंद है, लेकिन संडे अच्छी लगती है तो वो मैं खा लेती हूँ, संडे या कुल्फ़ी, फिर कुल्फ़ी भी अच्छी लगती है। तो बस अब फटाफट से निकालते हैं, फिर खाते हैं, लोगों को भी दे देते हैं वरना मेल्ट हो जाएगी। और बच्चे अभी कर रहे अपनी कल तो परसों उनका पेपर है, तो कल है प्रिपरेशन लीव, लेकिन यहाँ पे जो प्रिपरेशन लीव के लिए भी 2 घंटे के लिए स्कूल बुलाते हैं, प्रिपरेशन क्लास कराते हैं वहाँ पे, तो उसके बच्चे भी जाएंगे, मतलब जिसका मन हो वो जा सकता है, जिसका नहीं मन हो नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे बच्चे जाएंगे क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे। तो यहाँ पे मैंने सबकी आइसक्रीम निकाल ली है, सिर्फ मम्मी की नहीं निकाली क्योंकि मम्मी सो गई, मम्मी का डिनर हो जाता है जल्दी तो मम्मी सो चुकी है, और ये सिर्फ हम लोग खाएंगे। सो अब रख देते हैं इसको फ्रिज में। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सुषिता गुप्ता ब्लॉग्स, बाय, गुड नाइट।